अगर आपने गुनाह न छोड़ा, हम लोगों ने गुनाह न छोड़ा, तो हमारी जो स्कीम अल्लाह वालों की सोहबत है और अल्लाह अल्लाह करने से हाजिरा जिसको जो नसीब है तिलावत, जिसको जो स्कीम बनेगी वो गुनाहों से स्कीम निकल जाती है। जब गुनाह कर देते स्कीम निकल जाती है तो फिर वो के साथ यानी जमीन नहीं छोड़ सकता जहाज, जहाज अगर उसकी कंट्री में खिलाफ हो रहा है सीधा कोई घूम के तो जहाज उड़ेगा, फिर अगर स्कीम कम हो जाए बस यही वजह है कि हम लोग अभी उड़ ना सके। वरना एक अल्लाह कहने से अपना दोस्त होता है इंसान की फरिश्ता भी रख सकता है, मगर अफसोस ये कि हम जहाज को अल्लाह की स्कीम बनाते हैं, अल्लाह वालों की सोहबत अख्तियार करते हैं गुनाह के बाद में, इसलिए हमारी स्कीम जो है वो निकलती रहती है। कुछ काम सुधाना सुन लिया निकल गई, हाथ से किसी हसीन को देख लिया निकल गई, जवान से नामराशी काम कर लिया निकल गई, तो गुनाह से छोड़ दे अल्लाह के वास्ते, क्योंकि गुनाह जो है कंकड़ पत्थर है, जो है बुरी बुरी चीज है, गुनाह अच्छा माल है बुरा माल, तो बुरा माल छोड़ देना चाहिए या उसको रखना चाहिए, और अगर बुरे माल छोड़ने से अच्छा माल मिल जाता हो तो कंकड़ पत्थर गुनाहों को छोड़ने से अगर अल्लाह की मोहब्बत का मोती मिल जाए जिसकी कीमत आसमान और जमीन अदा नहीं कर सकते, जिसकी कीमत सूरज और चांद अदा नहीं कर सकते, तो कम कंकड़ पत्थर के ये गुनाहों को छोड़कर अल्लाह की रजा उसके खुशनुदी अपने मालिक की हाजत की है, इस हयात की फिक्र करो कि हमारी हयात खुदा की नाफरमानी से है लानत ममात न हो जाए, बहुत से बदतर है जो जीते जी अल्लाह को नाराज करता है। आप बताओ अगर किसी को खारिज मिल जाए, किसी को खारिज हो जाए, लकवा हो जाए या गुड्डे खराब हो जाए या ब्लड कैंसर हो जाए और हर हफ्ता खड़ा खून निकाला जाए दूसरा खून कराया जाए और चुप करके कमला हकी हो रहा हो और सारे डॉक्टर उसको मायूस कर रहे हो कि अब कैंसर असर नहीं होगा, फिर ये किसी बेटी की तलाश करेगा, किसी लड़के को तलाश करेगा, किसी की आसपी शुरू करेगा, सारी आसाई नाथ के रास्ते से निकल जाएगी। इसलिए अल्लाह के अजाब का इंतजार न करो, फिर अल्लाह ने बनाया, बताओ दिल किसने बनाया, दिल कुर्बान को खुद करना चाहेगा, किसी खातिर जो नक्कर खास अपनी जिंदगानी को, किसी खातिर जो नक्कर खास अपनी जिंदगानी को और जवानी कर सका उसको फिजिक्स ने दी जवानी, जिस अल्लाह ने आपको जवानी दी ताकत दी उसी मालिक पर अपने को फिदा कर। अब रह गया दिल में गम आएगा दुनियावी मार्केटों को छोड़ने से, उसी गम से अल्लाह हम जाता जो गुनाह छोड़ता है और गुनाह से गम उठा ले उसी गम के रास्ते से खुदा मिलता। इसलिए मराबरी सुनाते हैं कि दोस्तों और माल दौलत वालो तुम खजाना अपने जुराना में दफन करते, खजाना शहर में कोई नहीं दफन करता, पुराने जमाने की बात है ये, जब बैंक वगैरह नहीं तो खजाना कहाँ दफन करते थे, जंगलों में वीराने में। लिहाजा अगर तुम भी अल्लाह ताला ने ये उपजा हुक्म फरमा दिया चाहे मेरे ईमान वाले लाने वाले बंदो, अगर तुम अपनी बुरी बुरी ख्वाहिशात को वीरान कर दो तो तुम्हारा दिल खाली वीरान होगा, फिर हम अपनी मोहब्बत का खजाना उसमें रख देंगे। और अगर तुमने गुनाह न छोड़ा, अपने कल्ब को बुरी बुरी ख्वाहिशात से वीरान न किया, तो याद रखो हमारी मोहब्बत का खजाने से तुम महरूम रहोगे। ये सहन समन ये लाल गुल ये सहन समन ये लाल गुल होते हैं जो वीरान होने दो, ये सहन समन ये लाल गुल होते हैं जो वीरान होने दो, तकरीब जुनू के पर्दे में तानीर के सामा होते